एक बार फिर से बीजेपी विधायक संगीत सोम का विवादित बयान सामने आया है। मेरठ के सरधना से विधायक संगीत सोम ने मुगल कालीन शासकों के इतिहास को देश के लिए कलंक बताते हुए कहा कि इतिहास से मुगल कालीन शासकों को निकालकर अब उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के इतिहास को दर्शाया और पढ़ाया जाएगा। भाजपा के फायरब्रांड नेताओं में शुमार संगीत सोम ने यह बयान मेरठ में आयोजित एक जनसभा के दौरान दिया। उन्होंने बताया कि यूपी सरकार अकबर, बाबर और औरंगजेब जैसे कलंक कथा लिखने वाले बादशाहों को इतिहास से निकालने की तैयारी कर रही है। संबोधन के दौरान उन्होंने मुगल कालीन बादशाहों को अत्याचारी बताते हुए कहा कि भारत के इतिहास में दर्ज उनके अत्याचारों में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल भी शामिल है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल शाहजहां निर्मित ताजमहल को यूपी की योगी सरकार ने टूरिज्म लिस्ट से बाहर कर दिया, जिसके बाद काफी हो हल्ला मचा और योगी सरकार के उक्त कदम की कड़ी आलोचना की गई। वहीं आलोचकों पर निशाना साधते हुए संगीत सोम ने कहा कि ताजमहल का निर्माण करने वाले मुगल शासक शाहजहां ने हिंदुओं पर काफी अत्याचार किए थे। उसने पिता जहांगीर को कारागार में डाल दिया था। इसके साथ ही भारतीय इतिहास को बेहद गौरवशाली बताते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव और भगवान विष्णु जैसे अवतारों का गौरवशाली इतिहास पढ़ाया व दर्शाया जाएगा।